जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे इकाई अंक जात करना। ठीक है, इकाई अंक जात करना, इकाई अंक के बारे में आज हम आपको बेसिक से लेकर अंतिम तक बताएं। तो इकाई अंक हम दो प्रकार से जात कर सकते हैं, या दो प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक पूछा जाता है गुणनफल रूप में, दूसरा पूछा जाता है घातीय रूप में। ठीक है, इकाई अंक जात करने के लिए दो प्रकार का क्वेश्चन आएगा। एक प्रकार का आएगा गुणनफल रूप में और एक आएगा घातीय रूप में। ठीक है, तो गुणनफल रूप में कैसे आएगा, मान लेते हैं कि 25 गुणे 25 गुणे 13 गुणे 6 16 दिया है। ठीक है, और घाती रूप में कैसे देगा, जैसे कि 7 की घात 53, ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा पेपर में। ठीक है, तो इसको हल करने का सिंपल सा फंडा यह है कि अगर हम इकाई अंक जात करने के लिए बोला है तो पूरे संख्या के गुणा करने का क्या जरूरत है। इकाई अंक बोला है तो इकाई इकाई का ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, क्या इकाई इकाई का ही पूरा कर लेते हैं, जैसे 5 इधर 5 इधर 3 इधर 6, तो 5 5 का पूरा करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ गया। ठीक है, इसका पूरा करेंगे 6 3 18 हो गया। फिर से इन दोनों का इकाई अंक ले लेते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 8 हो गया। ठीक है, इनका दोनों का पूरा करेंगे तो 8 5 40, इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक हम ले लेंगे 0, ये 0 हो जाएगा, हमारा क्या इकाई अंक हो जाएगा। 25 और 25 गुणे 13 और 16 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो आ जाएगा। जा आ ठीक जा। है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 16 लिखा है, 7 लिखा है, 27 18 लिखा है, 25 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनका इकाई अंक देखेंगे तो 16 37 18, इनका बड़े बड़े संख्याओं में गुणा न करके इकाई अंक पूछा है तो हम इकाई इकाई का ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और 7 का गुणा कर देंगे और इधर क्या कर देंगे, 8 और 5 का। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे 6 और 7 का, तो 7 6 क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और इसका 8 5 40। फिर से इसका गुणा करेंगे, इधर हमारा इकाई का अंक 2 आया और इधर क्या आया, 4 आया, तो 2 में 0 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। अब हम बात करेंगे घातीय रूप में। ठीक है, घातीय रूप में तो कितना दिया है, 7 की घात 53 दिया है। ठीक है, इसमें हम 4 का भाग करेंगे। ठीक है, इसमें 53 में 4 का भाग करेंगे। ठीक है, तो 53 में 4 का भाग देंगे, 4 का 4 कलम 4, इसको बटाएंगे 1 आएगा, बचेगा 3, इसको फिर भाग देंगे, 4 3 12। ठीक है, इसको बटाएंगे, शेष कितना आया, 1 आया, तो 7 की घात जो शेष बचा है, हमारा जो शेष फल बचा है उसी को इस इकाई के वाले के अंक की घात में लगा देंगे। ठीक है, तो शेष हमारा 1 आया, तो 1 घात लगा दिए, 7 का गुणा 1 बार करेंगे तो 7 ही आएगा, इसलिए इसका 7 की घात 53 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 39 की घात 45। ठीक है, अब देखिए इकाई अंक पूछा है कि 39 की घात 45 का इकाई अंक क्या होगा, तो हम इकाई अंक का ही लेंगे, तो 9 की घात क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब इस 45 में क्या करना है, 4 का भाग देना है। ठीक है, क्या करना है, 4 का भाग देंगे तो 4 1 9 4। ठीक है, फिर कट जाएगा, ये बचेगा 5, फिर से 4 1 9 4 लाया, कितना 1 आया, तो इस 9 की घात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जब 9 का गुणा 1 करेंगे तो वही आएगा 9, यानी कि 39 की घात 45 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा 14 की घात 23 गुणे 18 की घात 16। ठीक है, 14 की घात 23 गुणे 18 की घात 16।
चलो इसमें इकाई अंक ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इकाई अंक पहले इसका निकाल लेते हैं, तो चार चार इकाई अंक निकाल रहे, तो हम इकाई को ही देखेंगे, 2 की घात 4 की घात क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो 23 में क्या करना है, 4 का भाग देंगे, ठीक है। तो 4 5 20 आए, ठीक है। इसको घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा। अब इस 4 की घात में शेष कितना, 3 आया, तो 3 कर देंगे, ठीक है। 4 का पूरा 3 करेंगे, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आया, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इतना का इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इसका निकालेंगे, तो इसका इकाई 4 चौक क्या हो जाएगा, 16। इसको बढ़ाएंगे कुछ नहीं आ जाएगा, सिर्फ 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 आ गया, तो 8 की घात 0 आ गया। तो किसी के घात में 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इधर इसका 14 की घात 23 का कितना आया था, 4 आया था इकाई का, और इसका कितना आया, 1 आया। गुणे में है तो गुणे में कर देंगे, तो 4 को गुणा 1 के साथ करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि इसका हमारा आंसर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 64 की घात 32 प्लस 37 की घात 31 प्लस 15 की घात 13, ठीक है। एक एक से लेंगे, 64, तो इकाई का अंक इधर क्या है, 4 है, तो 4 की घात 32 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, 7 की घात 31 ले लेंगे, इसका 15 की घात 13 लेंगे। सभी में 4 4 का भाग देंगे, तो 32 में 4 का भाग देंगे तो 4 8 क्या हो जाएगा, 32। शेष पर कितना आया, 0 आया, तो यानी 4 की घात 0 करेंगे, ठीक है। 4 की घात 0 हो जाएगा, प्लस 7 31 में 4 का भाग देंगे, 4 8 ज़्यादा है, 4 7 28, ठीक है। 81 में 1 3 शेष बचा, यानी कि 7 की घात 3 करेंगे, ठीक है। प्लस 5 की घात 13, तो 13 में क्या करना है, 4 का भाग, तो 4 के 12, ऐसे कितना है, 1 आया, 5 की घात 1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए, किसी भी घात पे 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। प्लस 7 की घात 3, तो 7 गुणे 7 करेंगे, ठीक है। तो 7 7 49 49 7 क्या हो जाएगा, 343 कितना हो जाएगा, 343, ठीक है। प्लस 5 एकम 5, तो इकाई इकाई अंक ले लेते हैं, इसका इकाई अंक एक, इसका इकाई अंक एक, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये इकाई। मेरे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, (55)/16 - (21)/15, ठीक है। इसको हल करेंगे, इकाई अंक लेना है तो 5 की घात 16 हो जाएगा, -1 की घात 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में 4 का भाग देंगे, तो 4 चौको 16 कितना आया, शेष 0 आया, तो 5 की घात क्या हो जाएगा, 0, -1 की घात 1 1 1 की घात इकाई अंक 1 ही आएगा, ठीक है। कितना व्यवहार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो अब किसी भी घात के 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 ही होता है। 1 में 1 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 55 की घात 16 - 21 की घात 15 का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 × 125 × 800 × 63 × 921 × 700, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो इसका इकाई का अंक, इकाई अंक पूछा है तो इकाई का ही इकाई का गुणा करेंगे, तो इसमें 7 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 5 35। फिर इसका गुणा करेंगे 3 का गुणा 1 के साथ, तो 3 1 3 हो जाएगा, गुणे इधर 9 बचा है तो 9 लिख देते हैं। फिर इसका गुणा करेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा, 27, इधर 35 रहेगी, ठीक है। तो 5 का इधर से गुणा करेंगे तो 7 5 35, इसका इकाई का अंक क्या हो गया, 5 हो गया, ये हमारा क्या होगा, इकाई का अंक हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। बत्तीस की घात 23 प्लस 38 की घात 18 प्लस 16 की घात 14, ठीक है। इकाई अंक हमको ज्ञात करना है, तो इसका इकाई अंक क्या आ गया? 2 2 की घात क्या है? इकाई अंक 8 है, तो 8 की घात क्या हो जाएगा? 18 प्लस 6 का इकाई अंक इसका 6 हो जाएगा, 6 की घात 14, ठीक है। अब इन सभी में क्या है, घात में क्या करना है? 4 का भाग देना है। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 4 का भाग हम क्यों देते हैं, तो ये इसलिए देते हैं क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या का उसका 4 बार गुणा करते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन 4 बार के बाद अगर 5 बार गुणा करते हैं तो उसका इकाई अंक वही आता है। जैसे कि अगर हम 2 का गुणा 4 बार करते हैं तो इसका इकाई अंक दूसरा आएगा, लेकिन 4 बार से जैसे अगर 5वां बार गुणा कर देंगे तो इकाई अंक क्या आएगा? वही 5 आ जाता है, फिर से वही रिपीट होने लगता है, ठीक है। जैसे 2 का गुणा हम 2 बार करेंगे तो 2 दूनी क्या आएगा? 4 आ गया, ठीक है। फिर 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16, 16 के बाद अगर जैसे हम 5वां में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 दूनी 32, इकाई अंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, फिर से वही रिपीट होने लगेगा। 2 के बाद फिर क्या आएगा? 4 आएगा। जब तो एक बार और कर लेते हैं, 32 दूनी क्या आ गया? 64। ये देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिर गुणा करेंगे तो 64 दूना कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। ये देखिए 2 आया, 2 के बाद 4 आया, 4 को आधा 8, ऐसे बार बार वो रिपीट होने लगेगा, इसीलिए हम 4 का भाग दे देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे कि मान लेते हैं 3 का गुणा करते हैं, 3 का अगर हम 4 बार गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 5वां बार हम 3 का गुणा कर देते हैं तो फिर से वही संख्या रिपीट होने लगता है जो कि हमारा शुरू में होता है इकाई का। जैसे कि 3 का गुणा करेंगे, 3 3 9 हुआ, 9 3 27, 27 3 81, यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन फिर से अगर हम 5वीं बार गुणा कर देंगे तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? वही फिर से रिपीट होने लगेगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 243 आ जाएगा। इसका 3 1 3 8 3 4, ये 3 फिर से वही शुरू आने लगा, फिर वही 9 आएगा, फिर क्या 7 आएगा इकाई अंक, बार बार वही रिपीट आने लगेगा, इसीलिए हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है। तो चलिए 23 में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 5 20, इसको घटाएंगे 3 आएगा, यानी कि 2 की घात 3 प्लस 8 18, 18 में हम किसका भाग देंगे? 4 का 4 6 16, ठीक है। इसको घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि 8 की घात क्या होगा? 2 प्लस, जब पूरा करेंगे तो 3 बार करेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 16 6 8 64 हो जाएगा इसका, 6 7 37। इसको इकाई कर जोड़ेंगे तो 8 4 क्या हो गया? 12, 12 6 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 इकाई अंक क्या है? 8 है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 8। है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि दिया है 346 की घात 2, फिर इसके घात में और दे दिया है क्या? 7, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें कुछ नहीं है, कोष्टक हम हटाएंगे तो 346 घात में 2 है तो इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 7 2 14, यानी कि 6 की घात, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई ले लेंगे तो 6 की घात क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 में क्या करना? 6 का 4 का भाग देना है, 4 3 12, ठीक है। हासिल कितना बचा? 2 बचा, यानी कि 6 की घात, तो 6 का 2 बार गुणा करेंगे तो 6 6 36, इकाई का अंक क्या हो जाएगा? हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे कि दिया है 14^(-18)^(21)-9^(9)^(12)। ठीक है, अब इसका इकाई तंत्र क्या है? 4 है, इसका 8 है, ये तो नौ एक ही है। ठीक है, तो 4^13+8^21 - 9^12। ठीक है, अब इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 3 12 बचेगा 1, यानी कि 4^1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 8 इसका भाग देंगे 4 में तो 4 5 20 बचेगा 1^1 हो जाएगा। इसके अगर में 4 3 12 9^1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। तो 4 4+8 - किसी की घात में 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। इसी तरह 8 4 12 हो गया, 12 में 1 हटाएंगे 11, 11 की क्या 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 है हमारा, ये हमारा निकाल का हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर अगला क्वेश्चन दिया है, (754)^8 862 ऐसे दे दिया। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या है हमारा? 4 है, तो 4^8 क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, फिर एकड़ ये बचेगा कितना? 4 1 4 बचेगा, इसमें कितना? 2 बचेगा, 4 5 20 बचेगा, 2, ये 4^8 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका 4 का गुणा 2 बार करेंगे, 4 4 को 16, बताइए क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे भाग देने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 3^65 + 6^67 + 7^71। ठीक है, इसमें भी वही, अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट भाग देते नहीं बनता तो वैसे भाग दे सकते हैं। वैसे भाग देने में ज़्यादा टाइम लगता है, डायरेक्ट करेंगे तो कम समय लगेगा। ठीक है, तो 4 1 4 = 2, ये हो गया 25। ठीक है, तो 4 6 24 बचे गए, 3^1 हो जाएगा, पूरे 6 इसका आंसर हो। 4 का भाग देंगे, 4 1 4 बचे गए, 4 4 को 16 हो जाएगा, बचेगा 3 6 3 हो जाएगा, 7 1 71 में बात करेंगे, भाग देंगे तो 4 1 4 बचेगा 3, 4 7 28 हो जाएगा, 28 तो बचेगा क्या? 7 3 बचेगा, इसका गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 36, 36 36 में 6 का गुणा करेंगे तो आएगा 216, इसका गुणा करेंगे 7 का 3 क्या हो जाता है? 242 हो जाता है, 243 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे इकाई का अंक के साथ गुणा कर देंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, बचेगा 3, 3 का गुणा करेंगे 8 3 24 हो जाएगा, 24 का इकाई का अंक 4 है तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया हो, 279+167 = 342 का इकाई का अंक जाता है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों प्लस में दिए हैं, लेकिन ये दोनों क्या है? गुणा में दिया हुआ है। ठीक है, तो बॉर्ड मॉस का नियम क्या बोलता है? पहले गुणा आएगा। ठीक है, तो पहले पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे इसका इस इकाई वाले इस इकाई के साथ। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 7 दूनी क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। इसका इकाई तो क्या है? 9, प्लस कर देंगे इसका, तो गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 6 13, ये हमारा क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इकाई का अंक जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हमने आपको करवा दिया है। अगर और किसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए अगले वीडियो में जरूर हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।